भाई देखो ये वाली वीडियो ना थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको इतने तगड़े तगड़े रावण दिखाने वाला हूँ ना, तुम खुद बोलोगे भाई जतिन भाई क्या करके मानोगे। मतलब भाई बहुत यूनिक यूनिक रावण है। वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो भाई ये है अपने दो मुँह वाला रावण, एक यहाँ पे है और एक मुँह पीछे है ऑरेंज कलर का। तो यार देखो ये ग्रीन और ऑरेंज कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब यार ये चाहते ना बहुत ख़तरनाक रावण बना सकते थे इसको। अच्छा ये है नो डाउट, मेहनत बहुत है इस रावण में, पर कलर जो करे ना वो मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगे। मतलब अगर इसको मतलब ऐसे ब्लैक कर देते पीछे फेस का, मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिव वाला रोल और आगे थोड़ा सही मतलब ख़तरनाक, जैसे पीछे सींग लगा रखे हैं आगे सींग नहीं लगा रखे, तो वैसे थोड़ा ख़तरनाक सा होता ना। बाकी मैं तुम्हें पीछे से दिखाता हूँ एक बारी, बहुत बड़ा है। जैसे देख लो नॉर्मल रावण और ये कितना बड़ा डिफरेंस है, देख लो रावण बहुत बड़ा है नो डाउट। देखो ये पीछे का मुंह है जिसमें सींग वगैरह है, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा वो नहीं भाई। ये वाला रावण ये भी बहुत सही लग रहा है, इसका कलर अच्छा, मतलब ऐसा कुछ करते ना उसका ख़तरनाक सा अटपटा चटपटा तब ज़्यादा मज़ा आता। बाकी अब उधर की साइड और रावण है, देखो सीधा वहीं चलते हैं। तो देखो ये वही वाला रावण है भाई जिसकी मूंछों को मतलब डंडी वगैरह देके सपोर्ट लगा रखा था, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो। मतलब ढंग से दिख नहीं रहा क्योंकि ये छोटे छोटे रावण रखे हुए हैं, पर भाई इसकी मूंछें बहुत बड़ी बड़ी थी और रावण भी भाई नो डाउट बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है चिल्ला रहा रावण पूरा फुल खुंदक वाला रावण, और ये पता नहीं क्या बड़े हैं छोटे छोटे से देखना। पर भाई ये वाले रावण बहुत बढ़िया लग रहा है, ये भी ठीक ठाक है, बाकी आँखों वाँखों पर पेंट होकर बढ़िया लगेगा, इसकी भी मूछें अच्छी हैं। एक बार ये वाला रावण चेक करो, मतलब देख रहे हो भाई जीत गया रावण, एक तरफा ले गया सारे रावणों को। मतलब भाई कितना तगड़ा लग रखा है, कलाकारी देखो यार, कलर कॉम्बिनेशन और मूछ जो लग रही है भाई कितनी सही है, दांत भी बहुत तगड़े लग रहे हैं तुम्हारे। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जब इस पर कलर वलर नहीं हो रखा था। बाकी चलो साइड वाइड से देखते हैं इसको। तो भाई साइड लुक बहुत तगड़ा लग रहा है यार ये रावण, बस दिक्कत इस बात की है कि पीछे अगर ब्लैक कलर करते तो और बढ़िया लगता। मूछें बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को, मूछें बहुत तगड़ी लगी हैं इसकी जो ये लगाया हुआ है ना इस पर। बाकी ये जो इसकी जो निकाल रखी है ना लठे साइड से सिल्वर सिल्वर सी, ये बहुत तगड़ी लग रही है भाई नो डाउट, रावण अच्छा है। ठीक है भाई इस रावण का रिव्यू यहीं तक था, बहुत सही लग रहा है रावण नो डाउट। बाकी चलो भाई ये वाला रावण देखो एक बारी, छोटा है पर कलाकारी एक नंबर की है भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है। अगर ये चीज़ सोचो बड़े में बनेगी तो कैसा लगेगा। पीछे देख रहे हो भाई, मतलब फुल भाई तगड़ा सा बना रखा है यार, सही लग रहा है। यहाँ पे सारे क्रिएटिव रावण से बना रखे हैं यार, सही लग रहे हैं यार काफ़ी। ये वाला देखो बढ़िया लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं पर भाई यही चीज़ सोचो बड़े में बनेगी कितना जेन्युइन लगेगा भाई। ये चीज़ देख रहे हो तुम भाई कितनी तगड़ी कलाकारी करी हुई है ना, और ये भाई तुम मानोगे बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैं इसकी पहले की क्लिप डालता हूँ, पहले वो देखो तुम, पहले की क्लिप देखी और अब देखो भाई क्या कर दिया भाई। मतलब यार सच में कारीगरों के हाथ में जो टैलेंट है ना किसी के हाथ में नहीं है भाई, कितनी सही लुंगी बना दी, बहुत तगड़ी लग रही है भाई इसको। भाई मेरी तरफ से 100 नंबर है भाई पूरे। देखो ये भी भाई सारी लुंगियाँ हैं, मतलब इन पे भी वैसी कलाकारी हो जाएगी, सही लग रही है। बाकी ये पिंक कलर थोड़ा अलग है, ये भी अच्छी लगेगी नो डाउट, कलर अच्छा हो जाएगा तो, पर मेरे हिसाब से डार्क कलर ज़्यादा सही लगते हैं लुंगी वगैरह पर। बाकी तो अब देखते तो कैसी लगती है, बाकी सब सही है, वो वाली तो एक नंबर है भाई। देखो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। इस बार रावण के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है वह रावण। बाकी मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, अगली वीडियो और बढ़िया आने वाली है, उसमें बस तुम चेहरे देखना रावणों के। चलो।